अमित शाह की बिलासपुर रैली के दौरान भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर को जीतने के बाद केंद्र में एक बड़ा नेता बनाने की घोषणा पर कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने चुटकी लेते हुए कहा कि बीसीसीआई के अध्यक्ष पद के साथ ही भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाने के बाद अब शाह क्या अनुराग ठाकुर को कबड्डी हॉकी या खो खो का अध्यक्ष बनाने की बात तो नहीं कह रहे। हमीरपुर के नदौन विधानसभा क्षेत्र पहुंचे रामलाल ठाकुर ने भाजपा पर जमकर प्रहार किए और कहा कि कांग्रेस नोटबंदी को सबसे बड़ा घोटाला मानती है। नदौन विधानसभा क्षेत्र के गलोड़ कांगू धनेटा कस्बों में प्रचार के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने संबोधन में कहा कि नोटबंदी के समय रसूखदार लोगों का काला धन सफेद हो गया था और आम जनता को सबसे ज्यादा दुख झेलना पड़ा था। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर की जा रही टिप्पणी पर रामलाल ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री राष्ट्रीय राजनीति में अभी बच्चे हैं, पहले उन्हें अपनी कुर्सी बचानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को याद रखना चाहिए कि मुख्यमंत्री पद की लड़ाई के समय किसके समर्थकों ने उनसे बदतमीजी की थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री खुद चाहते हैं कि राहु दूर हो। हमीरपुर में कांग्रेस के नेताओं के साथ मारपीट के मुद्दे पर ठाकुर ने कहा कि पुलिस में मामला दर्ज करवाने के बावजूद अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि अधिकारी भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और कांग्रेस ऐसा सहन नहीं करेगी। मंडी लोकसभा हलके से भाजपा प्रत्याशी एवं सांसद रामस्वरूप शर्मा ने रामपुर क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान डेढ़ दर्जन स्थानों पर नुक्कड़ सभाएं कर लोगों से वोट मांगे गए। इस दौरान शिंगला और आसपास के कई कांग्रेसी लोग कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए, जिनका रामस्वरूप शर्मा ने माला पहनाकर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि केंद्र में मोदी को पुनः सत्ता में लाने के लिए भाजपा के पक्ष में वोट देना जरूरी है। मोदी के प्रयासों से हर क्षेत्र में लोगों को पिछले 5 वर्षों से लाभ मिल रहा है। रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि गरीबों बुजुर्गों के कल्याण से जुड़ा हो या फिर महिलाओं के लिए, भाजपा ने हर किसी के लिए काम किया है। मोदी की लोकप्रियता को देखते हुए विपक्षी पार्टियों ने एकजुट होकर मोदी को सत्ता से दूर रखने की कोशिश की है, ताकि देश की जनता को पूर्व की तरह बेवकूफ बनाकर जनता का नहीं बल्कि अपना विकास किया गया। उन्होंने प्रदेश की जयराम सरकार द्वारा अल्प समय में किए गए विकास कार्यों का भी उल्लेख किया और कहा कि बुढ़ापा पेंशन को 80 से घटाकर 70 साल किया गया, जिससे बुजुर्गों को सहारा मिला है। उन्होंने लोगों से किसी के झांसे में न आने की सलाह दी और अपने विवेक का काम लेते हुए मोदी को मजबूत करने के लिए भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील की। रामस्वरूप शर्मा ने बताया कि पिछले 5 वर्षों से उनके लोकसभा हलके में जो भी विकास के अधूरे कार्य रहे हैं, उन्हें वे पूरा करेंगे, चाहे वो नमक उद्योग हो या 4 लेन या फिर नेशनल हाईवे व टनल आदि का निर्माण क्यों न हो। जिला बिलासपुर के स्वारघाट पशुपालन महकमे द्वारा बकरी पालन योजना के अंतर्गत अच्छी नस्ल के पशु नहीं देने पर पशुपालकों में प्रदेश सरकार के खिलाफ रोष व्याप्त है। काबिले गौर है कि जिला बिलासपुर के उपमंडल स्वारघाट के अंतर्गत पशु निरीक्षण संस्थान स्वारघाट में बकरी पालन योजना में लाभार्थियों द्वारा अपना 40% धनराशि लगाने के बाद भी उन्हें अच्छी नस्ल की बकरी व बकरा नहीं मिले हैं। पशु निरीक्षण संस्थान में पशुपालकों को 46 छोटी बकरियां व 12 छोटे बकरे वितरित किए गए हैं। कुल 58 बकरी व बकरे
पशु निरीक्षण संस्थान स्वारगाट के तहत आने वाले जनता के लिए प्रदान किए जा रहे हैं। कुछ पशुपालकों का आरोप है कि पशुपालन विभाग द्वारा अच्छी नस्ल के बकरी व बकरे नहीं लाए गए हैं, जिसके कारण कई पशुपालक बिना पशु लिए खाली हाथ अपने घर वापिस लौट गए हैं। बिना पशु लिए खाली हाथ लौटे पशुपालकों में रीह निवासी गौरव रामलाल धर्म सिंह सवाहन से संबंध रखते हैं। ये सभी पशुपालक काली गरीबी रेखा से संबंध रखते हैं। धर्म सिंह निवासी सवाहन ने करीब 22,000 की राशि बकरी पालन योजना में लगाई थी, ताकि उसे पशुपालन विभाग से अच्छी नस्ल के पशु मिल सके। इसने 10 बकरी व 1 बकरा लेना था, लेकिन धर्म सिंह ने कहा कि गरीबों को ठगा जा रहा है, पर सरकार को पशुपालन विभाग के खिलाफ जाँच बिठाई जानी चाहिए। रामलाल रीह निवासी ने 11,000 की धनराशि उक्त योजना में पशु लेने के लिए लगाई थी, लेकिन उसने भी अच्छी किस्म में सवाल उठाए हैं। रीह निवासी गौरव ने भी उक्त योजना में 23,000 की रकम महकमे के पास एडवांस जमा करवाई थी, लेकिन इन्होंने भी पशु लेने से इनकार कर दिया है। इनका कहना है कि जब पशुपालन विभाग द्वारा पशुपालकों को अच्छी नस्ल के पशु ही नहीं दिए जा रहे, तो अच्छी नस्ल